हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ यू वुड बी फाइन। तो आप देख सकते हैं मैं अपने पॉली हाउस में हूँ, 507 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस, जिसमें कि लगाए गए हैं टमाटोज। देख सकते हैं आप किस तरह लटके हुए हैं। तो ऑलमोस्ट ये अबाउट 6 फुट के आसपास तो पहुँच चुके हैं, और सिंगल नोड पर ही दे रहा हूँ मैं, क्योंकि डबल नोड पर तो बहुत वेट हो जाता है और टूट जाएंगे ब्रांचेस भी और साथ में धागे भी। तो हालांकि हेल्दी है प्लांट, पत्तों पे कोई बीमारी नहीं है, देख सकते हैं आप कोई भी बीमारी नहीं है। पीछे प्रॉब्लम आई थी मुझे वाइट फ्लाइज की, तो इस बार तो नहीं है। अब स्प्रे करने के बाद ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम आती है हैवी टेम्परेचर की वजह से। ये देख सकते हैं आप, ये ड्रॉप हो रहे हैं, गिर जाएगा, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक ड्रॉपिंग होती ही रहेगी। बहुत मुश्किल होता है ये कंट्रोल कर पाना, तो आपको मतलब एग्जॉस्ट चाहिए होंगे काफ़ी बड़े ढंग से, अगर जो सिस्टमेटिक ढंग से लगते हैं। फ़िलहाल अपना तो सिस्टमेटिक ढंग पे नहीं हो पा रहा है, तो जितना भी है ये देख सकते हैं आप ब्रांचेज निकल रही है, ये रिमूव करनी होती है, ये ईजीली निकल जाती है छोटे में, बड़े हो जाए तो फिर कैंची से ही प्रून करने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट टमाटोज तो देख सकते हैं आप लग रहे हैं सारी जगह ही, ये ब्रांचेस नहीं लेनी है, ग्रोथ खा जाएंगे। तो टमाटोज भी क्लस्टर ठीक ही है, सब जगह देख सकते हैं आप लगभग टिक रहे हैं, ठीक टिके हैं। तो डाइट भी कोई और नहीं है, नॉर्मली वही है 19-20 पीस यूरिया वगैरह, थोड़ा शेड्यूल पे हफ्ते के इंटरवल में, फिर थोड़ा पानी की सप्लाई रखनी पड़ती है, आजकल गर्मियां हैं काफ़ी, तो इस कारण पानी थोड़ा कंजप ज़्यादा करते हैं। तो देख सकते हैं आप ठीक ही है ओवरऑल टमाटोज। नीचे से दिखाऊंगा आपको, पत्ते भी रिमूव करने पड़े हैं, तो ओवरऑल जितना है वो आउटपुट लगेगा पता। ये वाली आपकी सिजेंटा की ट्रायल बेस पे सीड दिया हुआ था, जहाँ से मैं बना रहा हूँ इस वाले एरिया का, जितना है ये जो ऊपर का है ये है युवराज, तो लगेगा पता इनमें वेरिएशन क्या है, कितना आउटपुट रहता है कितना। तो हालांकि लगे हैं अब, तो फ्यूचर में ही पता लगेगा किस तरह की मेहनत और क्या आउटपुट मिलता है। अब हालांकि अभी ये टाई अप करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, अब ऊपर जाएंगे काफ़ी, इनकी लेंथ की बात करूं तो 20 से 25 फुट तो नॉर्मली जाते ही हैं। अभी प्रॉब्लम आगे आएगी कि ये हमें गिराने पड़ेंगे, गिराने मतलब कि इन ब्रांचेस को लूज़ करके नीचे लाना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तो जो भी होगा मैं फ्यूचर में दिखाऊँगा आपको, फ़िलहाल यही है जो चला है सिस्टम। तो टमाटो तो लग रहे हैं फिलहाल, यहाँ देख सकते हैं किस तरह कितनी ज़्यादा तादाद में क्लस्टर, हालांकि ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है लेकिन फिर भी आउटपुट ठीक ही है। ऑब्वियसली जो जो मिलता जाएगा मैं दिखाता जाऊँगा आपको, तो काफ़ी दिन भी हो गए वीडियो अपलोड किए हुए। तो ये था थोड़ा सा मेरा ब्लॉग पॉली हाउस का अपना दोबारा, तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक लिए टेक केयर और कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में जल्दी ही।